नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के बीच सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। आपको पता होगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी साफ साफ ये कह रहे हैं कि 25 जून तक यदि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, यानी कि इशारा सीधा आरजेडी की तरफ है, तेजस्वी यादव की तरफ है, यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है, यदि बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि चुनाव जो है वो नज़दीक है, ऐसे में तैयारियाँ कैसे हो पाएंगी। तो ऐसे में रुख जो है वो कड़े करने पड़ेंगे मजबूरन जीतन राम मांझी को, और आगे का रास्ता वो तय कर लेंगे 25 जून के बाद। ये साफ साफ जीतन राम मांझी कर रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी पटना के पानी में खड़े होकर दिखाते हैं कि देखिए कितना जल जमाव है। वहीं अब इस विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई में जन अधिकार पार्टी भी कूद पड़ी है। जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर ये कह रहे हैं कि बताशे के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बताशे के लिए मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं। जो जनता को सरकार के प्रति आक्रोश है, सरकार के खिलाफ हर मुहिम में जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी हर मुसीबत में खड़े रहें और सरकार के खिलाफ मुहिम चलाते रहें, जनता को आगाह करते रहें, जनता को सेवा करते रहें, हर तरफ से जनता के साथ खड़े रहें, तो जो अभी जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ है, ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस मुहिम में आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं, उनको जाप पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर हर वो सरकार का जो मुहिम है, जो दावे हैं, जो गलत हुए हैं, वो जनता को बताने चाहिए, क्योंकि सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। हवा वाले पैकेज, कोरोना संकट में तैयारी 0%, अभी जो बाढ़ की समस्या आ रही है उसमें तैयारी 0%, तो सरकार हर जगह फेल है। और ऐसे में जो भी सरकार के खिलाफ मुहिम में है, वैसे दल को जाप पार्टी के साथ। तो आपने सुना, बताशे के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं इन शब्दों के साथ जब उन्होंने कहना शुरू किया तो साफ साफ बता दिया कि जनता के जो मुद्दे हैं उसे उठाना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन बना है सत्ता पक्ष के खिलाफ, नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, अगर वो मजबूती से के साथ जनता के बीच नहीं जा पाएगा तो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ होगा विपक्ष, और बिहार का विपक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर से एक बार सत्ता पक्ष 2020 का चुनाव भी जीत जाएगा। तो ऐसे में बताशे के लिए, यानी कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, पार्टी के लाभ के लिए हर चीज़ में कुर्बानी देनी पड़ती है, एनडीए से सीखना पड़ता है, ऐसे में बताशे के लिए मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, सलाह भी दे रहे हैं जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो देखते रहें आप लाइव स्ट्रीम, देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या 25 जून के बाद बिहार में एक नया सियासी समीकरण बनेगा, थर्ड फ्रंट की कवायद क्या शुरू हो जाएगी, क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर विपक्ष एकजुट रहेगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।